टू माई चैनल ग्लैम विद प्राची। आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी रात के 9 ही बज रहा होगा या उससे कम टाइम होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया है। तो हम लोग रेडी हो गए हैं बारात में जाने के लिए। और कैसे मैं दिखाऊं आपको अपना लहंगा? चलो अभी मैं ऐसे ही दिखा दे रही हूँ। तो मैंने ये वाला लहंगा पहना हुआ है जो मैंने जटकी से मंगाया हुआ था, और काफ़ी प्यारा लग रहा है। पहनने के बाद ना और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। इसकी ब्लाउज बहुत सुंदर लग रही है, बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। हाँ बोलो बेटा, कौन सी खुशी? वो बगल वाले रूम में है। तो हम लोग बस अभी जाने वाले हैं। और मैंने ना इसके साथ मांग टीका लगाया हुआ था, बट फिर मुझे थोड़ा ज्यादा ही हैवी लगने लगा तो मैंने मांग टीका हटा दिया है। और कुछ इस तरीके से मैंने बन बनाया हुआ है, ना एकदम नीचे ही है ना एकदम ऊपर, ये बीचों बीच वाला है। और ऐसे फ्री पल्ले में मैंने चुनरी लिया हुआ है ऐसे में ना, क्योंकि बहुत हल्की चुनरी है ना, तो मैं हर तरीके से इस चुनरी में कंफर्टेबल हूँ। तो मुझे लगा चलो मैं ऐसे कर लेती हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। और सर में पल्ला भी लेना होगा ना, तो ऐसे टाइप का रहेगा ना, तो बहुत सही रहेगा पल्ला भी लेने में। तो बस अभी हम लोग रेडी हो गए हैं और भाभी लोग भी सब रेडी हो रही हैं, फिर निकलते हैं हम लोग। गाड़ी भी आ रही है, वो पास में ही है, मैरिज हॉल काफी पास में ही है, तो पहुंच जाएंगे तुरंत। बुआ की दादी बुला रही है कि बुआ की सासू माँ बुला रही है? तो चलो ठीक है, हाँ भाई अब हम लोग नीचे उतरते हैं और फिर इसके बाद चलते हैं। और जो भी जैसे होगा सूट करूंगी और आप लोग के साथ शेयर करूंगी। अब हम लोग निकल रहे हैं, बहुत सारे लोग जा चुके हैं, बहुत सारे नहीं ऑलमोस्ट सब लोग जा चुके हैं, बस हम भाभी लोग ही बचे हुए हैं। क्योंकि मुझे थोड़ा सा बच्चे का ध्यान देना पड़ता है ना, इस वजह से मैं थोड़ा लास्ट में ही जा रही हूँ। और बाकी सब लोग ना काफ़ी पहले चले गए हैं, लेकिन मैंने बोला कि नहीं मैं तो मतलब ना मेन टाइम पर ही जाऊँगी। अभी मैं घर भी दिखा देती हूँ कितना अच्छा सजा हुआ है। तो ये ना साल में एक बार ऐसे ज़रूर सजता है दिवाली टाइम पे, ऐसे ही झालर लगती है, तो सेम ना वही वाली फील आ रही है। और बहुत अच्छा लग रहा था देख करके, लग रहा था हाँ जैसे दिवाली ही हो। और ये जो स्टोर रूम के ऊपर रूम बन रहा था ना, ये भी पूरी तरीके से कम्प्लीट हो गया है बन करके। और अभी ना सब लोग देखो बाहर खड़े होकर के वेट कर रहे हैं कि गाड़ी आ जाए, तो फिर सब लोग जाते हैं साथ में। लाइट आई है अच्छे वाले, तो हम लोग रेडी हो गए हैं और निकल भी लिए हैं। और ये लहंगे के साथ ना गाड़ी में बैठना ही अपने आप में इतना दिक्कत वाला काम है, तो बड़ा ना संभाल संभाल करके बैठना हो रहा था। क्या हुआ? नहीं नहीं बताओ बताओ। दुल्हन नहीं लग रही? तो दुल्हन तो हूँ ही यार, ससुराल की हूँ। तो बस अभी हम लोग निकलने वाले हैं। और पीछे पीछे कौन कौन सेट है? दोनों खुशी 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 नंबर वन खुशी नंबर टू दोनों की दोनों सेट है। और यहाँ पर दोनों भरजाइयाँ सेट हैं, यहाँ पे आगे हीरोइन है और भाभी, ये चंदू है। अभी हम लोग गेस्ट हाउस पहुंच गए हैं और सबसे पहले हम लोग खाने की तरफ ही गए क्योंकि जयमाल होने ही वाला था। और वैसे भी पूरी तरीके से हम लोग खाने पे, जैसे ही चाउमीन खाएं उतने में जयमाल पड़ने लगा, तो फिर हम लोग उधर साइड चले गए। और लास्ट में फिर यही हुआ ना कि उदयन रोने लगा था, घर से फ़ोन आ गया, तो खाने पीने का मुझे कोई वही नहीं रहा, मैं बस वैसे ही चली गई। तो आप बोल सकते हो मैंने सिर्फ चाउमीन खाई पूरी शादी में। और अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ गेस्ट हाउस किस तरीके से सजा हुआ था। और घर से ना बहुत ही पास है, मुझे तो लगा था ना कि 15-20 मिनट लगेगा यहाँ पहुँचने में, लेकिन देखते देखते ही पहुँच गए 5 मिनट के अंदर। वैसे गाड़ी भी काफ़ी फास्ट चल रही थी, लेकिन हाँ बहुत ही पास है, मुझे लगा था थोड़ा तो दूर हो गई, बट बिल्कुल भी दूर नहीं है, 5 मिनट के अंदर ही हम लोग गेस्ट हाउस पहुँच गए थे।
और अभी आपको दिखा दूँ यहाँ पे जयमाल पड़ना स्टार्ट हो गया है, बट वीडियो सच बताऊँ बिल्कुल भी क्लियर नहीं आया है, लेकिन हाँ थोड़े बहुत जो काम चलाओ बन गया है ना उसी को मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दे रही हूँ। और मैंने तो बिल्कुल भी नहीं बनाया, वही बच्चों को जो दे दिया था थोड़े बहुत उन्होंने इधर उधर फ़ोन से करते हुए बना लिया था, वही बस बन गया था। और लाइट इतना ज़्यादा क्लियर नहीं आ रही थी फ़ोन में। और अभी मैं थोड़ा पास से देवर जी और देवरानी को दिखा दे रही हूँ, तो मेरी देवरानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, क्यूट है ना। मैं घर आ गई हूँ और इन्जॉय करने की बात करूँ तो बिल्कुल मैंने ना के बराबर ही किया है, बस आप बोल सकते हो जाना और आना, बस वही थोड़ा सा जो जयमाल हो रहा था ना उस टाइम पे जो थोड़े बहुत इन्जॉय करना ही आप उसको बोल सकते हो, फोटो वगैरह खिंचा लिए, उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ। और अभी अब मैं घर आ गई हूँ क्योंकि उदयन काफ़ी रो रहा था, पता नहीं क्यों उसको ऐसा होता है ना कि वो अगर सोना होता है ना तो और ज़्यादा शोर मचाता है, रोता है, तो फिर घर से भी माँ ने फ़ोन किया इन लोग के पास, मेरे से तो माँ बोल रही थी कि नहीं रो रहा है लेकिन इन लोग के पास फ़ोन करी कि रो रहा है, तो फिर ये बोले कि नहीं अब तुम घर जाओ। और वैसे भी वहाँ जयमाल हो ही गया था और सब कुछ हो ही गया था, बस यही था कि हाँ अभी थोड़ा सा डांस वगैरह कर लेते हैं, लेकिन ठीक है क्या कर सकते हैं, घर आना पड़ गया। और अभी मैं घर आई ना तो सो गया है, माँ उसको झुला रही थी ना तो सो गया है, तो मैं सोच रही हूँ अगर सो गया है तो मैं अपने ये कपड़े चेंज कर लेती हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा हैवी है ना कि अभी ये बिल्कुल नहीं झेला जा रहा है। और सबसे पता है दुख की बात क्या है कि भाभी लोग भी चली गई और हम लोगों ने खाना भी ना के बराबर ही खाया, वही जो थोड़ा थोड़ा चाउमीन खाया ना बस वही, फिर जयमाला होने लगा तो हमने सोचा जयमाल हो जाए फिर इसके बाद हम लोग खाना खा लेंगे, और मैं स्टेज साइड चली गई और वो लोग फिर चली गई, पता नहीं क्यों भैया लोगों ने बोल दिया या उनका खुद ही जाने का मन था मुझे नहीं कुछ पता है, लेकिन हाँ जब मैं स्टेज से उतर करके आई ना तो भाभी लोग चली गई हैं, थोड़ा सा मुझे रिग्रेट हो रहा है कि यार बताओ खाना तक नहीं ढंग से वो लोग खा पाए। अपने रूम का हाल था आप लोगों को दिखाऊं क्या हो रखा है, तो रूम तो अभी अब मैं सुबह ही साफ करूंगी क्योंकि अब अभी मेरे बिल्कुल हिम्मत नहीं, बस मैं इसको चेंज करके मैक्सी डाल लेती हूँ, और मैक्सी डालने से ना हल्कापन फील होगा, और फिर मैं अपने बच्चे को देखती हूँ, ये सारी चीज़ें जितना भी फैला हुआ है ना ये सब सुबह साफ हो जाएगा। और अभी वैसे भी अब कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है, बस बेड में बहुत चिप्स वगैरह पड़ा है ना छोटा छोटा, तो इसको तो हटाना ही पड़ेगा और बेड सीट सही करना पड़ेगा, तो चलो अभी मैं इसको चेंज कर लेती हूँ इसके बाद फिर बात करती हूँ। पता है बच्चे के साथ रहने के बाद ना आप जैसा सोचते हो वैसा ही एग्जैक्ट बिल्कुल नहीं हो पाता है, और वही हुआ, मैं सोच ही रही थी कि लग रहा है मुझे आना पड़ जाएगा और सच में आना पड़ गया, तो जब बच्चा हो जाता है ना तो फिर बहुत सारी चीज़ें सोचना पड़ता है और जो आप सोचते हो ना वैसे बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है थोड़े बहुत मैंने इन्जॉय कर लिया है, बट हाँ जितना सोचा था जितना बारात के लिए मैं एक्साइटेड थी उतना ज़्यादा मज़ा नहीं मुझे आया टू बी ऑनेस्ट। अभी थोड़ी देर रुकते हैं, अगर थोड़े बहुत डांस वांस करते हैं तो और भी ज़्यादा मज़ा आता, लेकिन ठीक है क्या कर सकते हैं, पहले मैं ज्वेलरी ही उतारती हूँ। और इतना सब तैयार होने के बाद फिर थोड़ी देर के लिए गए और फिर मैं चली आई, तो मुझे एक बार लग रहा है कि मैं ना ही जाती तो ज़्यादा सही रहता, लेकिन अब वही है ना कि शादी ब्याह भी बार बार नहीं होता रोज रोज, और देवर जी की शादी थी जाना तो बनता ही है। पता है अर्पित भैया स्टेज में थे ना, उनका जयमाला होने वाला था तब भी मैं वहाँ खाना खा रही थी, तो उनको लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भाभी नहीं आई हैं, तो वो मुझे कॉल करके पूछ रहे हैं कि आप कहाँ हैं आप नहीं आई हैं क्या, तो ऐसे होता है ना अब इतना ज्यादा घर में यहाँ सब प्यार करते हैं ना एक दूसरे को कि
बहुत सारी चीजें ना प्यार प्यार में करना पड़ता है कि हाँ चलो ठीक है, सब एक दूसरे को इतना मानते हैं। अभी अगर मैं नहीं जाती तो फिर अर्पित भैया को भी कम अच्छा लगता, उनको थोड़ा सा लगता ना कि भाभी देखो आई नहीं। और अभी अब मैं जल्दी जल्दी चेंज कर लेती हूँ, पहले मैं यही हटाती हूँ। तैयार होने में इतना ज्यादा टाइम लगता है लेकिन निकालने में उतना टाइम नहीं लगता है, सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी निकल जाता है। और अभी मैं सब कुछ ऐसे ही निकाल करके ना फेंक दूंगी, आप बोल सकते हो। सारी चीजें ना मैं सुबह ही सेट करूंगी। कुछ मैंने चेंज कर लिया है ना, अब मुझे हल्का सा फील हो रहा है। और ये लहंगा ना दिखने में जितना ज्यादा हैवी लगता है ना, पहनने में उतना ज्यादा हैवी है नहीं, काफी ना लाइट वेट है। देखने में ना तो मुझे भी लग रहा था कि यार बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगा क्या। लेकिन एक बात बताऊं, ये लहंगा है जो ब्लाउज इतनी सुंदर सिली हुई थी ना, लेकिन वही है ना कि पूरा सर में पल्ला लेने से ना पूरा का पूरा इस लहंगे का लुक ही चेंज हो गया था। ऐसे ज्यादा देखो अच्छा लग रहा है, एकदम ना डिजाइनर लग रहा है ऐसे में। और मेन ना लहंगा वगैरह की जो ब्लाउज होती है ना उस पे बहुत डिपेंड करता है, लहंगे का लुक पूरा चेंज हो जाता है। लेकिन सिलवाई तो मैंने काफी अच्छी थी लहंगे की ब्लाउज, बट सर में पल्ला पूरा लेने से ना पूरा का पूरा सब कुछ ढक गया तो कुछ भी दिख नहीं रहा था पूरा डिजाइन, बट ऐसे ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो ये मायके वायके में पहनो ना तो ज्यादा, लेकिन वही है ना कि ये हल्का रेड टाइप में है ना, तो मैंने सोचा कि ससुराल में ना रेड टाइप का लहंगा अगर शादी होती है ससुराल में तो ऐसे टाइप का लहंगा अच्छा लगता है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसको ससुराल में ही पहनती हूँ। मायके में थोड़ा सा ना अदर कलर जो होते हैं ना वो ज्यादा अच्छे लगते हैं, ऐसे रेड वेड नहीं अच्छा लगता है। ये दुल्हन वुल्हन टाइप की जो होती है ना उन्हीं के ऊपर ज्यादा अच्छा लगता है, आफ्टर ऑल हम भी इस घर की बहू हैं, दुल्हन वाली फील ही आती है अभी भी। तो चलो अभी अब मैं अपने वीडियो का भी एंड करती हूँ और मैं चेंज करती हूँ लहंगा और मैक्सी पहन लेती हूँ। फिर इसके बाद मैं उदयन को भी नीचे से लेने जाती हूँ, ऊपर लेकर के आती हूँ। बट उससे पहले मैं इस लहंगे इस वीडियो का एंड कर देती हूँ। मेरा दिमाग अभी काम नहीं कर रहा है, मैंने तो खाना भी नहीं खाया, बस थोड़ी सी चाउमीन और मंचूरियन ही खाया हुआ था। तो अभी देखती हूँ, अगर कुछ मन करेगा तो खा लूंगी, अदरवाइज रहने दूंगी। तो अभी अब मैं इस वीडियो का एंड करती हूँ। तो अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना, न्यू हो सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो उसका जब भी कोई क्या अगला वीडियो जाएगा ही। और कल नई बहुरानी हमारे घर आ जाएंगी, मतलब हमारी देवरानी न्यू मेंबर की एंट्री हो जाएगी हमारे घर में। मतलब इस बार ना दो लोगों की एंट्री हुई है, उदयन और उदयन की चाची, दो न्यू मेंबर इंक्लूड हुए हैं हमारे फैमिली में। तो चलो ठीक है, मेरी बातें बहुत सारी हो गई, मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।